ये भाई साहब है, इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया कहाँ तक? पानीपत तक है। पानीपत तक, तो ये बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है आपका भाई? नाम पूछ के ये क्या लगा रहा है, अंदर ही आने हमारा तो भाई है भाई। इनका कुछ नाम नहीं है, बस ये है कि अच्छे। क्या नाम आप देख रहे हो? शिव ढाबा, ये मुथल का ढाबा है, तो काफ़ी फेमस है यहाँ का, हरियाणा का। बिल्कुल बिल्कुल है। तो दिल्ली से अपने जितने भी भाई बहन हैं वो यहीं से खाना खा के जाते हैं। फेमस शिव ढाबा, मामा यादव ये रे जी, जिनका ढाबा ये, बड़ी अच्छी स्माइलिंग। और ये हमारे क्या नाम है, बाल किशन, ये मेरे साथ क्या नाम, बाल किशन जी हैं ये, क्या नाम, यही के हैं लोकल। तो इन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो बड़े अच्छे इंसान हैं दिल के, तो थैंक यू भैया। ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं जैसे कि आप देख ही रहे हो, यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं अपने, और वो आगे क्या नाम है, पार्क रेजिडेंट्स है। और ये अगला धर्म जी, ये धर्म पाजी का अपना ढाबा है, ये देख लेते हैं आप, ये धर्म पाजी का ढाबा है उनके नाम पे, प्योर वेज ढाबा। वो सामने जो हवेली थी वो धर्म जी के नाम था। राम राम, जय श्री काल। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल आऊंगे जी। ये धर्म जी का बस में क्यों, एक्चुअली प्लान में थोड़ा सा चेंज, क्योंकि आपको पता ही चेकिंग करते हुए रात को नहीं करनी चाहिए चेकिंग, क्योंकि थोड़ी डेंजरस होती है, क्योंकि लिफ्ट भी नहीं मिलती हमें, तो इसलिए मतलब मेरे को सोनीपत तक लिफ्ट मिली थी, तो उसके बाद मैंने प्लान चेंज किया। अब रात ज़्यादा हो गया तो मैंने सोचा बस में ट्रैवल करा जाए, सेफली घर जाना चाहिए, तो इसलिए मैं डायरेक्ट अब घर जा रहा हूँ, घर जाके अब बीच में जो भी सीने जैसे भी अब मिल गया। और वैसे ही एक बार व्यू दिखा देता हूँ ऐसा मुझे, ये क्या नाम अपना सोनीपत का बस स्टैंड। अभी मेरी बस रुकी है यमुनानगर से थोड़ा सा पीछे 20-25 किलोमीटर दूर, और एक ये ढाबा है यहाँ पे रुकी है, ढाबे का नाम है बाबा ढाबा, बाबा का ढाबा। तो ये मेरी बस है जिसमें मैं आया हूँ, क्योंकि रात को आपको पता है सर्वाइव नहीं किया जाता, हिचाइकिंग थोड़ी डेंजरस है, इसलिए मैंने अवॉइड की। और सिंपली मैं क्या नाम इधर आ गया, अपना बस में आ गया, तो वैसे इधर ये बस जाएगी यहाँ से अम्बाला, अम्बाला से चंडीगढ़ एक और बस डायरेक्ट अपने घर चंडीगढ़। तो ऐसा कुछ माहौल है यहाँ के ढाबे का, मिठाई की दुकान भी है इधर, खाने को सब कुछ है, और अलग अलग से सूप भी है भाई, सूप सारा कुछ है इधर। पेटी पेटी से 20 की है जी, 20 रुपये बीस रुपये फ्रेश है ना भाई साहब, क्या बात है, पक्का मेरे यार वापस रख दिए दोस्त, अपना ही वो काम है दोस्त यार। अच्छा अच्छा बेटे, एक कर दो वो काम है दोस्त यार। और कॉफ़ी है क्या भैया, कितने की है? चाय 20 की है, कॉफ़ी 30 की है। कॉफ़ी पक्का दूध वाली है ना? दूध वाली हुआ 200 रुपये। हाँ बस ठीक है, नहीं नहीं कुछ पानी वाली भी चलती है ना कॉफ़ी, वो तभी मैंने पूछ लिया पहले, एक कॉफी भी दे। मैं तो पूछ बताना दोस्त, मेरा फर्ज है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आपका पूछना फर्ज है मेरा, बताना दोस्त। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये कॉफ़ी और ये पेटी, तो आपका ये खाने के बाद मैं बात करता हूँ आपसे। तो पहुँच गए एट होम, सॉरी एट होम नहीं, चंडीगढ़ करताली बस स्टैंड। तो यहाँ से बस सब आप सोच रहे होंगे कि मैं था, मैं यमुनानगर के पीछे था, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे 43 कैसे पहुँच गया। एक्चुअली ऐसे हुआ कि एक बस आई यहाँ की डायरेक्ट, क्योंकि वो वाली तो मेरे को अम्बाला छोड़ रही थी, तो मैंने कंडक्टर से बात की, उसने कहा कि भाई कोई ना, मैं आपको जितने पैसे आप अम्बाला से वहाँ से तो दोगे वो आप मुझे दे देना। मैं कहा ठीक है, तो मैं गया उसको, मैंने बोला ऐसे ऐसे, उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो बस उसने मुझे चंडीगढ़ उतारा बस वाले ने, तो आप चंडीगढ़, उसके साथ आप चंडीगढ़ शहर ने, ये मैंने तो भाई नॉर्मली है क्या दिखाना, ऐसे ही है चंडीगढ़ शहर। चलो बस ये ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करता हूँ, यहाँ से मैं बाहर जाऊँगा ऑटो पकड़ूँगा और डायरेक्ट घर। तो बस इतना ही है, तो आई होप आपको सारी जितनी वीडियोस हैं मेरी पुरानी सारी अगर अच्छी लगी होंगी, कि मैंने फ़र्स्ट टाइम हिचहाइकिंग की तो कैसा रहा,
कैसा रहा आपको मेरा एक्सपीरियंस, मैंने सारा शेयर किया। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना जितना। तो मिलते हैं फिर नए शहर में, नए रास्तों में और नए लोगों के साथ। तो थैंक यू गाइस। अब सोचेंगे अंधेरा अंधेरा क्यों, अरे अंधेरा नहीं है भाई, बस ऐसा ही है। चलो ओके गाइस, गुड नाइट।